अमान एहसान रमजान है ये बख्शिश का सामान एहसान रमजान एहसान रमजान एहसान रमजान एहसान रमजान एहसान रमजान एहसान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एहसान रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहनवाज राना। जनाब बातें बहुत सारी करनी थी लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपसे बातें अब कम करूं क्योंकि मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारा वक्त जो है वो दुनिया में हमने गुजार लिया, 25 रोज़े आज मुकम्मल हो गए, बाकी 5 रह गए हैं या 4 रह गए हैं। दुआ ये है कि अल्लाह ताला इन 4 या 5 रोज़ों में हमसे वो सब कुछ करा दे कि जिससे वो हम अल्लाह ताला को राज़ी करने में कामयाब हो जाएँ। जनाब कारी मोहम्मद तला अल अज़हरी साहब हमारे साथ हैं मौजूद, चाहेंगे कि आज इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो तिलावत कलाम पाक से हो और मैं मुल्तमिस हूँ जनाब कारी साहब से कि वो कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमें नवाजें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله آپ تھے جناب قاری محمد طلحہ الازہری، آپ چیئرمین ہیں اٹلانٹک گروپ کے اور کیا خوبصورت تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے ہمیں نوازا۔ ناظرین اکرام رمضان اب اپنے بس آخری لمحات میں ہیں، اب ہم نے یہ سوچا کہ رمضان جو پورے ایک 11 مہینے کی ہمیں ایک ایسی پریکٹس کراتا ہے کہ جس سے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، کیا اس رمضان المبارک سے ہم نے کچھ حاصل کیا؟ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ نامور اسلامی اسکالر جناب ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب موجود ہیں اور انتہائی قابل احترام ہمارے دوست مظہر علی خان صاحب چیئرمین IVY فارم ہاؤس ہیں اور اس کے علاوہ آرگینک ویلیج چیریٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ، بہت سارے کام ہیں ایسے کہ جو مظہر علی خان صاحب اس وقت کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان دونوں اصحاب سے کریں گے گفتگو۔ اور خان صاحب یہ تو بتائیے گا کہ ایک سارے کام تو آپ کر رہے ہیں، بزنس تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کچھ دے رہا ہے، یہ جو ماہ مبارک ہے جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان سے ہم نے کچھ سیکھا، کچھ ہمیں رمضان سے حاصل ہوا؟ جی بالکل، بہت بہت زیادہ جی۔ رمضان صبر کی تلقین کرتا ہے اور رمضان میں ہمیں یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں پہلے بھی مطلب کہہ چکا ہوں۔ اس میں میں نے تو اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک عمل یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے۔
रमज़ान हमें इन सारी चीज़ों की तलकीन करता है। अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, मैंने मेरी ज़िंदगी का तो ये एम है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा कर सकते हैं, जो हमारे तालीमात हैं कुरान मजीद में और जिस तरह हुज़ूर सल्लम की शान है और की सीरत है, तो उनसे ज़्यादा ज़िक्र यही किया गया है कि दूसरे बंदे के लिए हम मुफीद साबित हों, दूसरे बंदे के लिए जो हम दूसरे इंसान, दूसरे लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुँचाएँ, उनके दुख दर्द में उनको बांटें और उनके ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद कर सकें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने बहुत कम अल्फाज में एक बड़ी खूबसूरत बात कर दी। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब के रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। वाँ वाँ। तो जो लोग दूसरों से मोहब्बत और प्यार रखते हैं ना, उनको अल्लाह ताला समेटता रहता है। और कभी कभी मैं कहता होता हूँ कि वो जब कोई मुझको तोड़ देता है, जब कोई मुझको तोड़ देता है, मेरा रब फिर से जोड़ देता है। आप क्या कहिएगा कि हमें रमजानुल मुबारक ने क्या सिखाया और क्या हम वो सब कुछ सीखने में कामयाब हुए? रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। बेशक अल्लाह ताला ने जिन्नो इंस की जो तख्लीक है उसका बुनियादी मकसद उसकी इबादत है। इल्ला लियाबुदून, हमने तुम्हें एक ऐसे मकसद के लिए पैदा किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो। बेशक बेशक। अच्छा, इबादात में एक सलात है, एक रोज़ा है। सलात के हवाले से और रोज़े के हवाले से अल्लाह ताला ने उसकी एक उसका सबब भी बयान किया है कि किस वजह से ये मैं तुमसे मकसूद क्या है, मकसूद इलाही चाहता क्या हूँ, चाहता क्या है। जी जी। फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बिल्कुल। कि नमाज का मकसद ये है कि तुम बुराइयों से, फवाहिशात और मुनकरात से अपने आप को बचा के रखो। अच्छा, रोज़े के बारे में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। बिल्कुल तो दुरुस्त। यानी रोज़े की जो मकसदियत है, रोज़े का जो फ़लसफ़ा है, वो लअल्लकुम तत्तकून के अंदर छुपा हुआ है कि ताकि तुम तकवा और परहेज़गारी इख्तियार कर सको। बेशक बेशक। अच्छा, तकवा क्या चीज़ है? तकवा बुनियादी तौर पर एक ऐसा जज्बा है जो इंसान के अंदर नेकी का जज्बा पैदा करता है, और वही जज्बा जो है वो इंसान को बुराई से महफूज रखता है। जी जी। अच्छा, तकवे की बुनियाद पे ही लिल्लाहियत पैदा होती है। तकवे की बुनियाद पे ही इंसान अल्लाह की रबूबियत की पहचान करता है। तकवे की ही बुनियाद पे उसकी उलूहियत का अदराक होता है। तकवे की ही बुनियाद पे उसके अंदर जो बहिमियत है, उसकी जो हिवानियत है इंसान की, उसका वो मुकाबला करता है। और आप देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी तकवे की। फरमाया कि तकवा ऐसा है, इसकी मिसाल यूँ है कि जैसे आप किसी पुरखार रास्ते पे जा रहे हों, वो पगडंडी ऐसी जिस पे इर्द गिर्द उसके कांटे हों, झाड़ियाँ हों, तो आप उस पगडंडी के ऊपर चलने से पहले अपने दामन को बचा के गुजरते हैं कि ताकि कोई कांटा आपके लिबास को न लग जाए। जी बिल्कुल, तार तार ना कर जाए। और देखें कि बुनियादी तौर पर रोज़े ने आपके अंदर तकवे की सलाहियत पैदा कर दी है, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, अच्छा। डॉक्टर साहब, चूंकि ये तो फिर मामला जो है ना तकवे की तरफ चला गया, हमने जो इस रमज़ान से हासिल करना है ना, वो एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम जो है वो, हम अब ये 20-25 दिन गुजर गए हैं, इनमें हमने अपना मज़हर खान साहब पता नहीं हमने ये सब कुछ जो है वो हासिल किया है या नहीं किया है। दरअसल रमज़ान जो है, आप क्या समझते हैं कि रमज़ान जो हमें सिखा रहा है मिनासुल कौम, क्या हम वो सीखने में कामयाब हुए हैं? बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लोगों को दिलों में रहम पैदा करना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, अख़ुवत भाईचारा अपने माशरे में सिर्फ इस चीज़ से पैदा हो सकता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों,
हम दावा करें, हम अगर किसी, मैंने अपने बिजनेस कम्युनिटी के जितने भी दोस्त वगैरह हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उसमें मैसेज किया है कि आने वाला वक्त है, ये ऐसे भी कोरोना की वजह से हालात बहुत, जो बंदा जिसकी मदद कर सकता है वो किसी न किसी की तो करे, किसी भी सूरत में, किसी का फीस पे करे, किसी अगर इस रमज़ान इस ईद पर आने वाले लोग ये देख रहे हैं तो हम किसी की फ़ीस पे कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं अपने माशरे में। जब तक हम ये लोगों के ख्याल रखेंगे इससे मोहब्बत और भाईचारा बढ़ेगा, और जब तक हम तजलील करेंगे दूसरे लोगों की और हम उन पर निगाह, और अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है और अल्लाह ताला ने अगर किसी को ये तौफीक दी हुई है तो ज़रूर इस रमज़ान की बरकत से, इन सारी चीज़ों की बरकत से ये सीख लेना चाहिए कि हम दूसरे मदद दूसरे लोगों के लिए मददगार साबित हों। उसमें बड़ी आसान सी एक मिसाल मैं देता हूँ कि लोग कहते हैं कि चांद देख रहे हैं और ईद मतलब 29 पे पूरा होगा 30 पे। मैं लोगों को कहता हूँ कि अपने मोहल्ले में उन लोगों को ढूंढें जिन लोगों की ईद हमारे बगैर ईद नहीं हो सकती, जिनकी हम मदद कर सकते हैं, उन लोगों को ढूंढ निकालें। और ज़रूरी नहीं कि इस ईद पर हम नए कपड़े पहने, अच्छे पहन सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों जितने भी लोग हैं उनको कुछ खुशियां प्रोवाइड कर दें, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैंने एक छोटी सी एक कहावत जो एक मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा एक फिक्रा सुना है और मैंने देखा भी, और वो है भी सूडान में छोटा सबसे छोटा खुतबा हुआ था जुमे का, और उसमें है कि हज़ार लोगों हज़ार मसाजिद से वो क्या खुतबा था, वाह, हज़ार मस्जिद की तामीर से ये बेहतर है कि हम किसी को एक लुकमा खिला सकें। ये वो खुतबा था कि जो सूडान में दिया गया। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब यही पैगाम भी है रमज़ान का। वो जो दो बातें मैंने की हैं ना इबादत के हवाले से, जी जी, उसी की तरफ आ रहा था कि ये दोनों जो इबादत हैं ये इंसान के अंदर तत्हीर पैदा करती हैं, यानी तत्हीर होती है इंसान की। इंसान की मसाल एक मशीन की मानद है, जिस तरह हम देखें ये एसी है या गाड़ी है या कोई भी ऐसी मशीन है, हम उसकी रिपेयरिंग करते हैं, उसकी सफाई करते हैं और उसकी ओवरहॉलिंग करते हैं, उसकी ट्यूनिंग करते हैं। ये महीना ओवरहॉलिंग का है, पर ये ओवरहॉलिंग का महीना है, तत्हीर का महीना है कि आपने 11 महीने की वो कसाफतें, जी बिल्कुल, 11 महीने की वो जो गंदगी और गलाजत है वो किसी भी लिहाज से जहनी फिक्री जिस्मानी हर लिहाज से उसकी तत्हीर का ये महीना है। ये 11 महीनों की प्रिपरेशन है। जी जी, बुनियादी बात ये है, कहा कि अस्सौमु जुन्ना, नबी अलैहिस्सलाम ने हमारा रोजा ढाल है, ढाल है रोजा, किस चीज की ढाल है रोज़ा? ढाल इस चीज़ की है कि इस महीने में आपने रोज़ा रखने के बाद जो तत्हीर हुई है, बाकी 11 महीनों में आपने अपने वजूद को ढाल बनाना है। किसके सामने ढाल बनाना है? आपने झूठ के सामने ढाल बनाना है, आपने रिश्वत के सामने ढाल बनाना है, आपने बदयंती के सामने ढाल बनाना है, आपने ख़यानत के मुकाबले में ढाल बनाना है। आपके अंदर ये जज्बात पैदा होने चाहिए इंसानी हमदर्दी के, अख़ुवत के, हमसाईगी के, हकूक़ की अदायगी के, वालदैन के एहतराम के, बहन भाइयों के दरमियान वो जो हकूक़ हैं उसके हवाले से। यानी बुनियादी तौर पर ये सारी इबादत का मकसद जो है वो एक ऐसा खूबसूरत माशरा तश्कील देना है जिसमें सिला रहमी, जिसके अंदर एसार, जिसके अंदर एक दूसरे के हकूक़ की बहाली और रखवाली का जज्बा पैदा हो। डॉक्टर साहब, बात यह है कि असल में तो रमज़ान का तकाजा भी यही है, रमज़ान का पैगाम भी यही है। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ भूखा और प्यासा रहने को अल्लाह की इबादत जो है वो तसव्वुर कर लिया है, वरना मैं ये समझता हूँ कि ये रोज़े, ये नमाज़ें, ये हज, ये ज़कात जो हैं ये आपको शायद जन्नत का हुसूल तो आसान बना दें, लेकिन अगर अल्लाह का हुसूल चाहिए आपको, अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके साथ हो और अल्लाह आपका दोस्त बन जाए, तो फिर अल्लाह ताला के जो की जो मखलूक है उन्हें दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए, उनके दुखों को, उनके परेशानियों का मदावा जो है उस कीजिएगा। चूँकि मेरे अब हिस्से का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, बहुत सारी गुफ्तगू आपसे भी करनी थी, बहुत सारी खास साहब से भी करनी थी, लेकिन क्या करें कि ये जालिम समाज जो है ये बीच में आ जाता है, और अच्छी बात जब भी होती है तो मौलाना अबुल हसन अली नदवी का एक फिक्रा मैं बोलना चाहूँगा, जल्दी से बोल दीजिए, फरमाया कि रमज़ान में जो रोज़ा है ना वो एक महीने का होता है या सुबह से लेकर शाम तक होता है।
اسلام کا جو روزہ ہے نا وہ ابدی روزہ ہے ابدی روزہ یعنی ہے. وہ کلمہ جب آپ پڑھتے ہیں بلوغت کی سطح میں پہنچتے ہیں اور جب آپ کی جان نکلتی ہے اس دورانیہ کا پورا روزہ ہے وہ روزہ ہوتا ہے. لیں جناب ہمارا بھی روزہ ہے اور ہم نے روزہ افطار بھی کرنے ہیں آپ سے لیں گے ہم اجازت آپ کے ہمارے بعد یعنی بہت سارے اور بھی مہمان بھی آئیں گے اور ہمارے اینکر بھی موجود ہیں بس ہمیں اجازت دیجیے ان شاء اللہ کل ملاقات ہوگی. یہ بخشش کا سامان احسان رمضان ہے یہ بخشش کا سامان احسان رمضان احسان رمضان احسان رمضان احسان رمضان احسان رمضان احسان رمضان ڈوبے گا میرا سفینہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آپ کا میزبان عاقف طاہر اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جس جگہ پر فرد رہتا ہے، جو اس کی مسکن گاہ ہوتی ہے، وہ اس کا مکان کہلاتی ہے۔ جہاں پر زیادہ مکان ہو جائیں وہ جگہ علاقے شہر کہلاتی ہے، اور جب انسانوں کا زیادہ اجتماع کسی جگہ پر نظر آتا ہے تو قبیلے اور مختلف مکان اور علاقے مل کر ایک سماج اور ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب ہم اس معاشرے کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایک انسان اپنے ذاتی اعمال اور اپنی عادات کی وجہ سے اچھا یا برا کہلاتا ہے، اسی طرح ایک معاشرے کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ معاشرہ بھی اپنے اندر جو اس کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے کردار اور ان کے اعمال کی وجہ سے اچھا معاشرہ یا برا معاشرہ کہلاتا ہے۔ فرد اپنی عادات سے پہچانے جاتے ہیں اور معاشرے اپنے افراد سے پہچانے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک معاشرہ اگر خوشحال ہوگا تو اس کے اندر زندہ رہنے والے لوگ بھی یقیناً خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، افراد اچھے ہوں گے تو معاشرہ بھی اچھا ہی بنے گا۔ ناظرین کرام، اسی موضوع کے اوپر کہ ہمارا معاشرہ کس طریقے سے خوشحال ہو سکتا ہے، کیا ہمارا معاشرہ کسی بیماری کا شکار تو نہیں ہے، کون کون سی برائیاں ہیں جن کا تدارک ہمیں کرنا چاہیے، ہم اس کے اوپر آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ روبا ہمایوں صاحبہ نے، جو کہ ہر روز آپ ہمارے اسکرین پر دیکھتے ہیں، ڈور آف اویئرنس کی چیئر پرسن ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ محترمہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے پھر آج ٹائم دیا۔ اور ناظرین کرام، ہمارے آج کے مہمان دنیا علم کا ایک خوبصورت نام، ماہر تعلیم ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جناب ذبیح اللہ بلگن صاحب، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ذبیح اللہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج مجھے اور میرے ناظرین کو اپنی پیاری گفتگو سے یقیناً آپ معزوز کریں گے۔ اچھا، معاشرہ افراد کا اجتماع ہے، پروفیسر صاحب ہم نے یہ بات پڑھی تھی، کیا کسی معاشرے کا خوشحال ہونا یا اس کا بدحال ہونا انسانی زندگی پر اس کے کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معاشرے مالی طور پر آسودہ ہوتے ہیں، وہاں ان کی اقدار اور ویلیوز بھی قدرے بہتر ہوتی ہیں، لیکن جو معاشرے مالی طور پر ناتواں ہوتے ہیں یا قسم پرسی کا شکار ہوتے ہیں، جی تو وہاں پر ان کی عادات و اتوار بھی جو ہے وہ اس قسم پرسی کا عملی طور پر مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں، اس کا اظہار ہوتی ہیں۔ میں تو اس کائنات کے سب سے معتبر اور سب سے زیادہ صاحب علم، جن کو براہ راست اللہ کی خبر، اللہ سے خبر آتی تھی، سبحان اللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے عرض کرنا چاہوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت کو ایمان کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ افلاس کو، غربت کو ایمان کے لیے خطرہ قرار دیا ہے کہ افلاس اگر ایک حد سے بڑھ جائے تو وہ ایمان بھی اس سے خطرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کی، یعنی کہ روم امپائر سے لے کے اب تک دستیاب تاریخ آپ دیکھ لیجئے، جی جی، کہ جو قومیں یا جن قوموں یا ریاستوں کے پاس مالی طور پر وسائل بہتر رہے ہیں، جی جی، وہاں سوشل اور سماجی اقدار جو ہیں وہ قدرے مضبوط اور بہتر نظر آتی ہیں۔ میں آگے ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ جن ملکوں میں وسائل زیادہ ہیں اور آبادیاں کم ہیں، ان ملکوں میں بھی جو ہے وہ ویلیوز سٹرونگ ہیں، قوانین پر زیادہ سختی سے عمل ہو رہا ہے۔ جن ممالک میں آبادیاں زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، وہاں پہ کرائم کی ریشو زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ میں آپ کو ماضی کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل کرتا ہوں۔ ہم چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم بحثیت مسلمان جو ہے اپنی تاریخ سے تھوڑی مدد لیں تو یہ جی بالکل صورت ہے، فرمائیے گا آپ کے ناظرین جو ہیں ان کا بھی ذرا ایمان تازہ ہوئے گا۔ عمر بن عبد العزیز نہ چاہتے ہوئے جب وہ امپائر آئے، خلیفہ بن گئے، اس وقت بھی یہ جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم تھی، وہ معاشرہ اس کا شکار تھا۔ کچھ لوگ بہت زیادہ امیر تھے اور کچھ لوگ قسم پرسی کے عالم میں مبتلا تھے، ان کے وہ پیاس سے روٹی کھاتے تھے۔ اپنے 2.5 سالہ دور میں عمر بن عبد العزیز نے دولت کی منصفانہ تقسیم کو اس طرح سے یقینی بنایا
कि वो लोग के जो चोरी छुपे कभी जाकर रोटी चुरा लिया करते थे, किसी का चारा काट लिया करते थे, रात के अंधेरे में जाने वाले को रोक कर बत्ता ले लिया करते थे, 2.5 साल के बाद ये हाल था कि वहाँ खड़े होकर लोग ऐलान करते थे कि हम ज़कात देना चाहते हैं, लेकिन तारीखी अल्फाज को नजर क्या तारीखी अल्फाज थे खलीफा, कोई ज़कात लेने वाला नजर नहीं आ रहा, ज़कात लेने वाला नजर नहीं। दरअसल मुआशरों में रियासत की जिम्मेदारी है, मैं नहीं समझता कि यह ज़बीहुल्लाह की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, यही हम शहरी हैं जी जी, हम रियासत में मौजूद हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो दौलत की मुनसफाना तकसीम के अमल को यकीनी बनाए। और दूसरा मैं ये अर्ज करूंगा कि मौके सबके लिए बराबर हों, ज़ाहिर है जब मुनसफाना तकसीम होगी मौके हैं तो नहीं, फिर मौके सबको मिलेंगे ना, मौके नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आपके KPK में पेशावर में जो बच्चा पढ़ता है वो और निसाब तलीम पढ़ता है, जो बलूचिस्तान क्वेटा में बैठ के पढ़ता है वो और पढ़ता है, वो और पढ़ता है। आपके लाहौर में 3-4 तरह का निसाब तलीम है, अमीर और किताबें पढ़ रहा है, गरीब और किताबें पढ़ गरीब रहा है। और दौलत की मुनसिफाना तकसीम आपने दो तबके पैदा कर दिए हैं, एक तबका और तरह सोचता है और दूसरा तबका और तरह से। ज़ाहिर है जब हम उनको हालात ही ऐसी देंगे, ग्राउंड ही ऐसी देंगे, तो ग्राउंड के मुताबिक ही सोचें पनपती हैं और जवान होती हैं और जहन शऊर और आगे ही तक पहुँचते हैं। तो जब हम हालात ऐसे देंगे तो फिर ज़ाहिर है हमारे माशरे में सोचें भी मुख्तलिफ तरह की ही। मरवान, मैं यहीं पर दोबारा आपको लेता हूँ, मोहतरमा फरमाइएगा कि वो कौन सी ऐसी बुराइयाँ हैं जिनको हम एक तंदरुस्त तवाना माशरे की बीमारियाँ करार देते हैं और उनका तदारुक हमें कैसे करना चाहिए? जी बिल्कुल, असल में ये चीज़ें तरबियत से ही शुरू होती हैं जी जी। जब आजकल के भी दौर में देखिए कि जिस भी क्लास में आप चले जाएं, अगर वो खाते पीते अच्छे सोसाइटी का हिस्सा है तो भी, और अगर वो किसी गुरबत से का शिकार है तब भी, कुछ इनफरादी बीमारियां हैं जो कि इंसानों को लगी हुई हैं और जिसकी वजह से वो बेचैनी का शिकार है। इसी वजह से मुआशरा भी ओवरऑल एक बेचैनी का शिकार मुआशरा नज़र आता है। आप देखिए, जो इस तरह का मुआशरा है वहाँ पे अगर वेल ऑफ तबके को देखा जाए तो वो क्या करते हैं कि वो अपने तमाम वसाइल होते हुए मज़ीद के मज़ीद खरीदने के और ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। लालच से खिरस तक का सफर शुरू हो जाता है। और जो तबका अगर वसाइल की कमी का शिकार है तो फिर उस तबके को देखा जाए तो वो बेचारे अपने वसाइल को बढ़ाने और पूरा करने के लिए वो मुख्तलिफ ऐसे रिसोर्सेज को जमा करने की कोशिश करते हैं जो कि गैर शरई होते हैं, या फिर ऐसी गैर शरई हरकतें काम ऐसे करने की कोशिश करते हैं जिससे उनके वसाइल बढ़ें। तो जो मुतमईन मुआशरा होता है वो तरबियत याफ्ता मुआशरा होता है। तबलीग तो बहुत लोग आजकल आपको करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन लफाजी और गुफ्तारी तबलीग हो रही होती है, उनका अपना अमल जब देखें तो वो उस बेचैनी का शिकार खुद भी होते हैं। बल्कि तबलीग तो इस तरह करनी चाहिए और इस तरह से बातों को, जो अच्छी नेकी की बातें हैं उसको इस तरह से आगे पहुंचाएं कि आपको ज़बान का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। बिल्कुल, आपके अमल को देख आपके अमल को देख के अगर हम देखें कि माशरे में इस वक्त जो मसाइल हैं, आप छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल पर देखें कि करप्शन आपको नज़र आएगी, और करप्शन के पीछे बेचैनी होती है कि हमें मिल जाए, और इक्तदार और ये जो हवस है इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। जब बच्चों को स्कूलों में डाला जाता है तो बच्चों को स्कूलों में डालने के लिए ये नहीं देखा जाता कि बच्चा अभी तो बोलता भी नहीं है, अभी तो माँ की गोद उसे चाहिए, माएँ जान छुड़ाती हैं, कहती हैं कि चलो स्कूल में डाल दें, वहाँ पर तरबियत भी हो जाएगी, ना तो तरबियत होती है और ना ही वहाँ पे बच्चों को सही तरीके से वो जो माँ के साथ एक तरबियत वाला जो एक अंसर था, वो भी पहली दरसगाह है, पहली दरसगाह है, तो वो बहुत गैप्स आ गए हैं जिसकी वजह से। अब यहाँ पे मैं ये चाहूँगी कि हम लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो करें कि हमने ये जो हमें कुरानी तालीमात हैं, देखिए कुरानी तालीमात अब गवर्नमेंट ने इसको पूरे कोर्स को हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया जी जी। तो हमारा तो डोर ऑफ अवेयरनेस में भी पूरा कुरान का जो सिलेबस है, बिल्कुल आप तो प्रॉपर लोगों को स्टडी करवा रहे हैं, और बहुत अच्छा निज़ाम है आपका, साथ अटैच करना बड़ा ज़रूरी है। उनके अंदर से ये जो नफसानी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, तो जिससे एक मुतमईन मुआशरा हमारा क़याम पज़ीर होता है। मुतमईन मुआशरा क़याम पज़ीर करने के लिए नाज़रीन कराम हमें ख़ुद भी मेहनत करना होगी, अब हर वालदैन को अपने बच्चों पर तवज्जो देनी होगी और तरबियत से गुजारना होगा। जनाब मोहतरमा रूबा हुमायूं साहब, मैं यहीं से आगे एक दो चीज़ें बड़ी अहम प्रैक्टिकली मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ज़बीहुल्लाह साहब आपने बात छेड़ी थी निसाब तालीम की और तालीम की,
तो मैं चाहता हूं कि हम बजाय इसके कि सिर्फ बीमारियों को मेंशन करें या बुराइयों को, हमें साथ साथ अपने नाज़रीन को उसका तदारुक भी देना चाहिए, ताकि हो सकता है शायद हमारी इस गुफ्तगू से शायद मुआशरे में अगर एक छोटी सी भी कोई बेहतरी आ गई तो हमारी नजात का समा बन जाएगा। तो इस निसाब तालीम का अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हाँ देखिए जी, मैं इसमें अर्ज़ करूँगा कि दुनिया में कहीं भी आप तरक्की दो तरह की होती है, एक इखलाकी एतबार से तरक्की होती है और एक वैसे समाजी एतबार से तरक्की होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लाजम मलजूम हैं। अगर आप समाजी एतबार से मादी तरक्की करना चाहते हैं कि आप जहाज़ उड़ाना चाहते हैं, आपने जहाज़ तैयार कर लिया है, आपने एरोनॉटिकल इंजीनियर बना दिया है किसी को और उसको बताया है कि जहाज़ को ऐसे बनाया जाता है और ये रूटीन में लाहौर एयरपोर्ट से हेथरो एयरपोर्ट तक 6.5 घंटे का सफ़र करता है। अब तुम्हारी तरक्की ये है कि तुम इसे 4 घंटे में ले आओ, इसकी स्पीड बढ़ा दो, शटल बना दो, ये एक मादी और समाजी तरक्की है। लेकिन एक इखलाकी तरक्की है, एक तहजीब और तमद्दन का जो है ना, उसको बात की तरफ आपने तवज्जो फरमाई। बिल्कुल, असल में जो आपकी किताबें हैं वो आपको अच्छा इंजीनियर बनाती हैं, वो आपको अच्छा डॉक्टर बना देती हैं, वो आपको अच्छा जो है वो मैं कहूँगा नक्शा नवीस बना देती हैं, अच्छा सिविल इंजीनियर बना देती हैं। लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए उसके साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तरबियत का होना बहुत। दरअसल अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि हमारे यहाँ एक तवील अरसे से जो तरबियत का प्रोसेस था ना वो मफकूद है, तरबियत का प्रोसेस रुका हुआ है। मैं फिर वापस जाता हूँ, इससे पहले जब मुआशरे तबाह होते थे, मुआशरों में क्या जब वो चोरी आम हो जाती थी, जना आम हो जाता था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देने लगते थे और नाप तोल में कमी करते थे, जना करते थे, पैगंबरों को नाऊज़ बिल्ला बुरा भला बोलते थे, दावत को कबूल नहीं करते थे, रिश्वत लेते थे, माली तौर पर बदउनवान बन जाते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने किसी न किसी नबी को मबूस फरमा देते थे उनकी इस्लाह के लिए। अब पैगंबर अलैहिस्सलाम जो हैं वो खातमुन नबीयीन हैं, वो आखिरी नबी हैं, उसके बाद नबी ने नहीं आना था। अब अल्लाह ने ये काम जो है वो हमारे ज़िम्मे दे दिया था, यानी कि ये ज़बीहुल्लाह के ज़िम्मे था, आपके ज़िम्मे था। अब जब कहते हैं हमारे ज़िम्मे, तो हम कौन हैं? यानी उस्ताद के ज़िम्मे दे दिया था ये काम, ये काम माँ के ज़िम्मे दे दिया था, ये काम बाप के ज़िम्मे दे दिया था, ये इमाम मस्जिद साहब को दे दिया था, ये ख़तीब साहब को दे दिया, आलम दीन साहब को ये काम दे दिया था कि अब मुआशरे की इस्लाह आपने करनी है, नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अब आपने अदा करना है। बदकिस्मती से हमारा मुआशरा जिस तेज़ी के साथ इन्हतात पजीर हुआ है, और मुमकिन है कि आपकी नज़र सोशल मीडिया की तरफ जाए या ना जाए। जी मैं आता हूँ, बल्कि मेरा ये भी क्वेश्चन आप इसको मुस्तफा फरमाएंगे तो मैं अगले बड़े मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। तरबियत का था ना जी, एक तरबियत का पहलू जो था किताबों के साथ, निसाब आप साहब कोई भी पढ़ लें, मैं कहूँगा आज से आप 400 साल पीछे चले जाएँ, मुझे बताएं कौन किसके पास कितनी डिग्रियाँ थी, रूमी के पास कितनी डिग्रियाँ थी, हसन बसरी के पास कौन सी डिग्री थी, इमाम गजाली के पास कौन सी डिग्री थी? वाह वाह, डिग्री कोई नहीं थी, तरबियत थी। इखलाकियात थी। मुझे प्रोफेसर ज़बीहुल्लाह बलगर साहब, मुझे जो आपकी बात से समझ आई है वो यही आई है कि निसाब चाहे जो भी हो, अगर असातिज़ा इकराम और वालदैन अपनी बच्चों की तरबियत के ऊपर किरदार अदा करना शुरू कर दें तो हमारे माशरे में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। मोहतरमा रूबा हमायूं साहब, फरमाइए किस तरीके से एक वालिदा को या एक वालिद को अपने बच्चे की तरबियत में रोल अदा करना चाहिए? उस्ताद कहता है कि वालदैन के पास बच्चा ज़्यादा रहता है वो तरबियत करे, और वालदैन कहते हैं कि नहीं, बच्चा तो ज़्यादातर रहता ही स्कूल और अकेडमी में है, हमें तो तरबियत का मौका ही नहीं मिलता। तो ऐसे तनाजुर में आप क्या सजेस्ट करेंगी? जी बेसिकली बच्चा तरबियत जो है वो घर से ही ले रहा होता है, और जब उसके बाद जब बहुत जल्दी उसको स्कूल डाल दिया जाता है तो जाहिर है माँ बाप भी अपनी जान छुड़ाते हैं कि चलो बच्चा बोलने लगा है इसको स्कूल डाल दो, लेकिन वहाँ पे उसकी तरबियत वाला वो फुकदान जो हमें नज़र आता है अब इस वक्त नए माशरे में कि बच्चों की तरबियत नहीं हो पाई, तो उसकी वजह यह है कि हमने भी बच्चों से जान छुड़ाई और बच्चों की वहाँ पर भी तरबियत ना हो पाई। तो इसलिए और मीडिया इस वक्त जो सोशल मीडिया है, जो बच्चों के हाथों में गैजेट्स हैं, वो उनकी तरबियत जो कर रहे हैं वो उसी के ऊपर चल रहे हैं, तो इस वक्त वो जो तरबियत वाले खाने हैं बहुत से खाली हैं।
तो हमें बहुत से मीडिया को भी अपना रोल पॉजिटिवली अदा करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो असातिज़ा का जो काम था वो भी उन्होंने भी अपने बच्चों को तरबियत के बजाय वो चीज़ें करवानी शुरू कर दी कि जो इस वक्त ट्रेंड्स हैं जी जी। और इस तरीके से बहुत से गैप्स हमें नज़र आते हैं बच्चों में भी, और इसके अलावा भी माशरे में एक बेचैनी का एक माशरा हमारा बना हुआ है। उसकी वजह यही है कि हर एक ने अपनी जान छुड़ाई हुई है। वालदैन के पास बच्चे ने जो टाइम गुजारना था उन्होंने स्कूल में डाल दिया जी, बिल्कुल। बच्चे उस स्कूल में गए और टीचर्स ने भी कहा कि अच्छा चलो इनको ये काम कराना है, और उनकी भी उन्होंने भी जान छुड़ाई भी है। तो ये जान छुड़ाने से बात नहीं बनती, बात ये है कि जितना जितना टाइम जहाँ जहाँ बच्चे को गुजारना है वहाँ वहाँ पे उसकी तरबियत का जो एक तरबियत का अमल से उसको गुजारना चाहिए। जी मोहतरमा रुबा हमायूं साहब, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और वालदैन जब तक इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे उस वक्त तक हम शायद कोई ज़्यादा मुस्बत नतायज अपने बच्चों से लेने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, और बच्चे नतायज मुस्बत नहीं दे सकेंगे तो मुआशरा किस तरह खुशगवार माहौल इख्तियार कर पाएगा। प्रोफेसर ज़बीहुल्लाह साहब, आपने सोशल मीडिया की बात की थी, मैं अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ये बड़ी क्लियर सी बात है कि सोशल मीडिया इस मुआशरे की एक बुराई बन चुका है, क्या ऐसा है? ये मेरा वहम गुमान है कोई? देखें, अगर हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें या अपने जनूबी एशिया के तनाजुर में देखें तो फिर तो ये कहने में हर्ज नहीं है, आपकी बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि यह वाकई एक बुराई की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पता नज़र इसके फ़वाद के, मैं इसके फ़वाद से बिल्कुल जो है वो इनकार नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि हम आज सिर्फ डिस्कस ये कर रहे हैं कि कौन सी बुराइयां हैं, मैं आपको बुराई के साथ उसका हल भी तजवीज़ करता हूं। बिस्मिल्लाह, आज जाना रहा है, बिस्मिल्लाह फरमाइए, हल भी क्या हो सकता है। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बुराई इसी एतबार से हो गया है कि हमारे यहाँ पे जिस तरह से लोग पहले से ही मुंतशिर थे जी जी, ज़हनी तौर पर जो है फिक्री तौर पर इंतशार का शिकार थे, सोशल मीडिया ने हमारे यहाँ गलत ठीक नीम ठीक ऐसे एक मालूमात का अंबार लगाया और ऐसी आंधी बरसाई है उसने कि हमारे नौजवान हमारी नई नस्ल उस बोझ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकी, वो समझ ही नहीं पाई कि भाई इसमें से किसको एक्सेप्ट करना था, किसको डिक्लाइन करना था, किसको जो है वो किसी ने बताया ही नहीं था ना, किसको कबूल किसी ने बताया ही नहीं था। अब हुआ क्या है हमारे यहाँ पाकिस्तान के हद तक, मैं अर्ज करूँ कि सोशल मीडिया के फवायद चले फिर किसी प्रोग्राम में जिक्र जरूर डिस्कस करेंगे, नहीं होंगे भी फवायद होंगे हैं, हैं, बिल्कुल, लेकिन वो बाद में किए जा सकते हैं। आज आपका सोशल मीडिया क्या है, आप एक ऐप खोलिए, आप फेसबुक के नाम से खोल लीजिए, यूट्यूब के नाम से आप खोल लीजिए, आपको क्या आएगा कि आपको फिक्री तौर पर जो है वो मुंतशिर किया जा रहा है। अभी कोई आपको कहता है कि आपका फिरका सही नहीं है, कोई कहता है आपका मसलक ठीक नहीं है, वो अपने मौलवी साहब की जो है उसमें पोस्ट जो है लगा रहा है, कोई अपने साहब की लगा रहा है, जबकि इस मुल्क में तादादगत की ज़रूरत थी जी, हम कौमियत की बुनियाद पर और मजहबी एतबार से जो है वो तफरकाबाजी के मुतहम्मल हो ही नहीं सकते। और मैं एक अर्ज़ करूं और आप दिन टीवी के रेफरेंस से मैं एक अर्ज़ करूं कहना चाहता हूं, ये फ़िरका वारियत और कौमियत का मसला पाकिस्तान में है ही नहीं सिरे से, ये सिर्फ आपको ये चंद नौजवानों की ये चीज़ें नज़र आती हैं जो सोशल मीडिया पे बार बार आपको नजर अच्छा, ज़बीहुल्लाह साहब तदारुक क्या है सोशल मीडिया से, कैसे हम पॉजिटिव नतीजे दे सकते हैं? बगल में देखिए, पड़ोस में देखिए, आपके चाइना की 1,35,00,000 आबादी है, क्या वहाँ फेसबुक नुकसान नहीं कर सकती थी, वहाँ जी मेल या सारे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, यूट्यूब यहाँ नुकसान नहीं कर सकते थे, ज़ाहिर किया होगा नुकसान, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है वो बैन करके अपने मुल्क में, इवन के आज व्हाट्सएप जो है एक आसान मैसेंजर है लेकिन उसको भी उन्होंने बैन करके इसके मुतबादल उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं। और मैं एक अर्ज़ कर दूँ आपको, ये सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, मरीख से या ऊपर चांद से लोग नहीं आते नीचे बनाने के लिए, कोई इस तरह मुश्किल मरहला तो कोई भी रहा नहीं है। मैं आईटी को नहीं जानता, मुझे 2,00,000 रुपए आप दीजिए, मैं आपको ऐप बना देता हूँ, यूट्यूब के लेवल की बना देता हूँ आपको, बिल्कुल एक ऐप बननी है ना, 2,00,000 रुपए पाकिस्तानी 2,00,000 रुपए मार्केट में रेट है ऐप बनने का, तो आप पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है उसमें से कुछ 14 करोड़ आवाम ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी मर्जी का एजुकेट लोगों को कर सकते हैं, बिल्कुल। एक जुमला और फरमाइए, जो सोशल मीडिया मौजूद है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप बैन कर दीजिए, जो मौजूद है आप इस पे इस तरह के कानून जो है वो इसके लिए बना सकते हैं, SOPs बना दीजिए, लिमिट्स तय कर दीजिए, लिमिट्स तय कर दीजिए, इससे क्रॉस नहीं किया जा सकता। बहुत खूबसूरत आपने फरमाया कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी बाशऊर आदमी को कोई एतराज़ नाज़रीन-ए-किराम नहीं है,
लेकिन ये एक ऐसी बुराई बन चुकी है कि जिससे बेशुमार ऐसे वाकयात हमारे सामने रोज रूनुमा होते हैं कि जिनसे जिनका मुआशरा एक और पॉजिटिव मुआशरा मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो लिहाजा चाहिए कि इनको लिमिट्स के अंदर रख कर इस्तेमाल किया जाए। वालदैन मैं तो समझता हूँ बाकायदा ज़बीहुल्लाह साहब क्लासेस होनी चाहिए इसके ऊपर, और बाकी सब्जेक्ट्स की तरह सोशल मीडिया भी पढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल और इसके मनफी और इसके पॉजिटिव पहलू बताए जाएँ लोगों को, बच्चों को बिलखसूस, ताकि मुआशरे में एक मुसबत जो है वो लाइन खींची जा सके कि किस तरीके से नतीजे आ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगु रंग धारती चली जा रही है। मैं वापस आता हूँ अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं मोहम्मद अहमद नौशाही साहब। मैं चाहूँगा कि वो नाते रसूल मकबूल अलैहि सलातु वसलाम हमें सुनाएं, ताकि हमारे दिल जो हैं वो याद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से रोज़े की इस हालत में मुनव्वर हो जाएँ। मोहम्मद अहमद नौशाही साहब जी। हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिर से परवाना वार फिरते हैं, और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताज दार फिर हजार फिरते हैं तुझसे कूते हजार फिरते हैं तेरे दिल ए बहार फिरते
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز میں محمد احمد نوشائی صاحب ناظرین کرام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ہم آج کی اس گفتگو میں میرے ساتھ جناب ذبیح اللہ صاحب تشریف فرما ہیں اور محترمہ روبہ ہمایوں صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ دونوں مہمانان گرامی کا معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ایک خاص تعارف بھی ہے اور ان کی خاص خدمات بھی ہیں۔ ذبیح اللہ بلگن صاحب ہمیں تعلیمی معاملات میں سمجھا رہے تھے کہ سوشل میڈیا اور وہ کون کون سی ایسی برائیاں ہیں اور ان کا تدارک کیا ہے۔ محترمہ روبہ ہمایوں صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ برائی بڑی دیکھنے کو آتی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے ہم علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن گھروں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پیار محبت ہمسایوں کے ساتھ پورے ایک گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے اور ایک حسن تھا معاشرے کے اندر جو کہ اب دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل، معاشرہ ڈفرنٹ کلاسز میں بٹ چکا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ بالکل وہ جو غربا کا طبقہ ہے اور وہاں پہ محلہ سسٹم اور اس طرح سے ہے، اور ایک طبقہ ہے بالکل جو اپر کلاس میں چلا جاتا ہے جس کے اندر یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نیبرز میں رہتا کون ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا انہونی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ساتھ والے گھر کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں کچھ ہو گیا۔ تو جہاں اتنا زیادہ معاشرہ مختلف طبقات میں بٹا ہوا ہوتا ہے تو پھر بڑے مسائل آتے ہیں۔ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جب معاشرے کی جو تقسیم اس قسم کی ہے کہ پیسے کا ایک طرف بہت زیادہ پیسہ ہے اور مسائل وہاں پہ بھی ہیں، اور ایک طرف پیسے کا فقدان ہے اور مسائل وہاں پہ بھی بے شمار ہیں، تو میں تو ہمیشہ یہ چیز اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ چاہے پیسے زیادہ والا کوئی معاشرہ ہے یا کم والا معاشرہ ہے، اگر تربیت نہیں ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو مسائل نظر آئیں گے۔ میں تو جگیوں تک میں ایک گھر کے حالات کو بہتر کرنا ہو، خوشگوار زندگی گزارنی ہو، کیا سجیسٹ کریں گے؟ بالکل، ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک تربیت صحیح نہیں ہے اس گھر کے ایک ماحول کے اندر، ان کو اچھی طریقے سے ان کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ چاہے غریب کا طبقہ آ جائے، محلہ آ جائے یا جو بھی آ جائے، یا پھر کھاتے پیتے بہت ویل آف گھر آ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ بنیادی جو انسانی جو مسائل ہیں، سائیکولوجیکل جو ایشوز ہیں، اور یہ حسد، نفرت ایک دوسرے سے، یہ چیزیں ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ پیسہ ہے تو نیند نہیں آ رہی، گولیاں کھا کے بھی نہیں سو پا رہے، لیکن غریب کو حالانکہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اپنے تھوڑا سا ہو تو اس میں شکر کرنا چاہیے اس کو، لیکن وہ بھی بے چین ہے اس لیے کہ میڈیا نے دکھا دکھا کے اتنے سبز باغ اور اتنا اتنا کچھ دکھا دیا ہے کہ ان کی جو سکون کی زندگی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے اور اس تربیت کا فقدان۔ میں تو ہر چیز میں سمجھتی ہوں کہ روبہ صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو ہمارے اور قابل توجہ بات ہے، دلچسپ تو خیر نہیں لیکن جہاں پر یہ ظاہر ہے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں کہ حسد، بغض، کینہ، ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد، ایک ہی تھالی میں کھانے والے لوگ آپس میں اس طرح الجھاؤ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کا سکون تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ ذبیح اللہ بلگن صاحب آپ فرمائیے گا، کیا اس گھریلو زندگی کی جو خوشیاں ہم سے چھن گئی ہیں، کیا اس کی وجہ دولت ہے یا انسانی رویے ہیں یا کم ظرفی ہے؟ پہلی بات تو یہی ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو تربیت کا فقدان ہے نا جی، اس میں کمی واقعہ ہوئی ہے، فقدان جو تھا وہ اب زیادہ دکھائی دینے لگ گیا ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے آپ دیکھیے کہ جو مسائل تھے یا بگاڑ تھا معاشرے میں وہ کم تھا، لیکن اس کو ٹھیک کرنے والے لوگ زیادہ تھے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت جملہ بولا آپ نے، واہ واہ بالکل۔ آج بدقسمتی کے ساتھ میں سے اپنی معاشرتی بدقسمتی کہوں گا کہ آج مسائل بہت زیادہ ہو گئے لیکن ان کا ٹھیک کرنے والے کم ہو گئے، تربیت کرنے والے لوگ کم ہو گئے۔ 40 سال کا جو پیرنٹ ہے نا، جو ابا جی ہے، پاپا جانی ہے، جو 40 سال کا، جی جی، اس نے اپنے 40 سالہ زندگی میں تربیت کی طرف وہ نہیں گیا، نہ اس کی اپنی بھی نہیں ہو سکی، سچی بات یہ ہے۔ اب جو اس کی اولاد جو 15-16 سال تک پہنچ گئی ہے نا، وہ اپنے بابا کو یقین جانیے دوستوں کی طرح مخاطب کرتے ہیں، شاگرد اپنے استاد کو اس انداز سے مخاطب کرتا ہے کہ وہ اس کا دوست ہوتا ہے جیسے،
मैं थोड़ी सी रुबा हुमायूं साहबा, आप शायद मेरी इस बात के साथ इत्तफाक करें, मैं थोड़ा सा इजाफा कर देता हूं, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं यूनिवर्सिटीज़ में, तो खैर अल्लाह ताला महफूज फरमाए, शागिर्द अल्लाह ताला की नेमत होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये मुलाजम है हमारे, ये तो तनहा लेके पढ़ा रहे हैं, कमर्शलाइज कर दिया अपने एजुकेशन सारी की सारी। दोस्त तो बहुत अच्छा होता है, दोस्त तो चलिए बच्चों को तो नहीं पता कि शायद हमें किस तरह की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जब माँ बाप को पता चलता है कि टीचर ने बच्चे को कुछ कहा है तो वो लड़ने के लिए टीचर के साथ आ जाते हैं कि जी खुले से ही हमारे बच्चे को बाहर। और आपने देखा होगा ये जो तरबियत का अमल था ना जी, ये हमारे समाज में या हमारे मुआशरे में रुक गया है, रुक गया। इसकी वजह क्या, देखें अभी हम एवरेज देखते हैं कि आपने घर की बात की है तो मैं इसलिए स्पेसिफिकली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमारी एवरेज जो एक बच्चियों की या बच्चों की शादी करने की उम्र है ना, वो 20 से 22 साल तक है, और 20-22 साल का बच्चा जो है वो 20-22 साल वालदैन के घर में रहा है, और वहाँ उस अंदाज से उसको नहीं बताया गया बेटी को कि बेटा जब तुमने अगले घर में जाना है तो वहाँ आपको कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, ठीक है, आपको सास के साथ कैसा रवैया रखना है, अपने हस्बैंड की कैसे ताबेदारी करनी है, अपने देवर हैं अगर छोटे हैं तो उन्हें छोटे बहन भाइयों की तरह रखना है या नहीं रखना, ये सारी चीज़ें, ये तरबियत नहीं हो सकी। अब मैं एक अगली बात करूँगा, हमने गुज़श्ता 15 से 20 सालों में मज़हब से दूरी इख्तियार की है। बिल्कुल, बहुत अहम और बड़ा बड़ा खुसूसी पॉइंट आपने, जितने पैगंबर और जितने नबी आए हैं इस दुनिया में वो मुआशरे की इस्लाह के लिए आए थे, मुआशरे की तरबियत के लिए आए थे। हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इतना बड़ा तरबियत का एक असासा देकर गए हैं, सुभान अल्लाह, बदकिस्मती के साथ हमने पलट कर भी नहीं देखा कि मेरे नबी ने मेरे लिए क्या छोड़ा है, सुभान अल्लाह। आपके मजहब, मेरे मजहब ने मुझे ये बताया है कि मुझे वॉशरूम में, बाथरूम में कैसे, टॉयलेट में कैसे जाना है और कैसे बैठना है। मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि मुझे मोजा पहले कौन सा पहनना है तो बाद में कौन सा पहनना है। मुझे नहाने के आदाब बताए गए हैं, मुझे सोने के आदाब बताए गए हैं, मुझे पड़ोसियों के साथ उसने सलूक का। अच्छा, ज़मीला बलग साहब, एक बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता, चाहता यह है कि मेरा बच्चा 5 वक्त का नमाजी हो, खुद सुबह उठता नहीं है, मुमकिन नहीं, चाहता है ऐसा हो नहीं सकता। बच्चा तो अपने वालदैन को जो है वो फॉलो करेगा ना, ऐसी दावत में कैसे, पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आया, खातून आकर कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा गुड़ खाता है, इसको जरा मना फरमा। हां हां, क्या खूबसूरत मिसाल है, सुभान अल्लाह, कल आइएगा, सुभान अल्लाह, क्या हिकमत है मेरे करीम। तो प्यारे नबी ने कहा बेटा गुड़ ना खाया कर, उसने कहा प्यारे नबी ये तो कल भी कह सकते थे, कहा कल क्यों कर कहता, कल मैंने खुद खाया था तो मैं इसको कैसे कहता कि तू ना खाया कर। बात यह है दाई भी कमजोर हो गया है, मुबल्लग भी कमजोर हो गया है, मुबल्लग भी कमजोर, वो टीवी पे बैठ के वेस्टकोट बैठ के मोबाइल आगे रख के आपका माइक्रोफोन लगा के तो यहाँ तकरीरें तो ज़बीहुल्लाह कर रहा है, लेकिन मुमकिन है यहाँ गाड़ी से बाहर निकलेगा तो रक्षे वाले से उलझ पड़ेगा तूने मुझे रास्ता क्यों, अदम बर्दाश्त तो रही नहीं, नहीं, नहीं। और मैं समझता हूँ कि अदम बर्दाश्त वो तो आप फरमाइएगा, जुमला प्लीज रखें, जी जी बिल्कुल फरमाइएगा, मजहब वाला जी, आप इंसानी मुआशरे में मजहब का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है, मजहब को जो है जब आप इंसानी मुआशरे से निकाल देते हैं, मजहब की तरबियत को निकाल देते हैं, तो फिर आपकी अदालत भी ख़राब हो जाती है, आपका घरेलू सिस्टम भी ख़राब हो जाता है, आपका मुआशरती सिस्टम भी तबाह हो जाता है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि आप तौबा कर लें, मेरे समेत सारे तौबा कर लें और मज़हब की तरफ लौट आएँ, इस रमज़ान का ये मज़हब के बगैर तो बिल्कुल कोई चाराकार ही नहीं है। और फिर हम जिस मुआशरे में पल रहे हैं, ये मुआशरा, ये हमारा मुल्क, ये तो दीन की बुनियाद पर मिला है, तो जब तक हम अपने असल दीनी लिबादा ओढ़ कर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे उस वक्त तक तो ये बिल्कुल नाज़रीन करा मुमकिन ही नहीं है। रुबा हुमायूं साहब, आप फरमाइएगा, हमारे मुआशरे में जब हम इस तरह तनकीदी निगाह से जायजा लेते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जहेज एक ऐसी चीज है, जहेज और वरासत, मैं दोनों चीजें आपसे बैक वक्त इसका मुख्तसर लफ्जों में जवाब देना चाहूंगा कि ये इतनी बड़ी बुराई बन चुकी है कि हमने इसके अपोजिट दूसरी चीज को तरजीह दे दी है कि बेटी को घर की चार दीवारी में उसके बालों में सफेदी उतर आनी है, लेकिन जहेज जैसी लानत से छुटकारा लेकर, और जिस तरह के ज़बीहुल्लाह बलगन साहब ने फरमाया कि हमने दीन का जब से दामन छोड़ दिया है, तो अगर हम सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन को देखें, तो ये दोनों बुराइयों का तो बिल्कुल सिरे से वजूद ही नहीं होना चाहिए। क्या फरमाती हैं आपके, जहेज की ज़्यादा ज़रूरत है या बच्चियों के टाइम पर निकाह ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए जहेज़ तो एक, क्योंकि हिंदू माशरे के साथ रहने की वजह से हमारे अंदर ये इतनी सराहियत कर चुकी है कि जहेज़ के बगैर शादी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं रह गया।
हालांकि जहेज की जगह विरासत है जो कि हमारे इस्लामी माशरे ने दी है कि अगर वालदैन के जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसमें जो विरासत है, और आप ये देखिए कि विरासत पे तो उसका राइट है लेकिन विरासत देते हुए मुकदमे हैं जो कि इस वजह से है कि हम विरासत नहीं उसको देना चाह रहे होते। तो ये चीज़ें हमें अपने माशरे से ख़त्म करनी होंगी। जहेज एज अ गिफ्ट थोड़ी बहुत अगर कोई चीज़ें वो ले जाती है तो वो तो बिल्कुल देना चाहिए जितना कोई दे सकता है, हम उसे मना तो नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल इस्लाम भी मना नहीं करता जी, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं रह गई कि जहेज इस कदर ज़्यादा हो गया कि वो बच्चियाँ बेचारी ओल्ड एज में चली जाती हैं, उनकी शादी की उम्र गुजर जाती है और वो जहेज की वजह से घरों में बैठी रह जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे हमें इस्लामी तारीख में तो ऐसा कोई नहीं मिलता कि जहेज की कहाँ पे, देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पैसे लिए थे और वो जहेज़ की जो भी चीज़ें बनाई थी वो जहेज़ उनकी तरफ से था, जो सामान था घर का वो सारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के पैसों से बनाया था। जी बिल्कुल, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हमारे माशरे में आ गई और मिसालें हम देते हैं कि हमारे नबी ने इस तरह किया था, ऐसा नहीं है। तो हमें अपनी इकदार को सही करने की ज़रूरत है और ये जो विरासत वाला मामला है इसको अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बल्कि एक स्लोगन आजकल बहुत चल रहा है, जहेज़ नहीं विरासत, तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और अपने माशरे में विरासत को जुमन हम अपनी ख़वातीन को राइट नहीं देते कि जब उनकी जो विरासत में हिस्सा बनता है। जी बिल्कुल, और इससे बरकतें उठ जाती हैं और ज़बीहुल्लाह बलगन साहब इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम बाकी नमाजें भी पढ़ते हैं, सब कुछ दीन के अमाल को जो है वो देखते हैं, लेकिन जब हम विरासत की तकसीम का बाबला आता है तो हम ख़वातीन को ये कहकर बिल्कुल साइड पे कर देते हैं कि इनको तो ज़रूरत ही नहीं है, इनको हमने पाला है, इनके साथ हमने इनकी परवरिश की है, इनकी स्कूलिंग हमने की है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो हमारी जब वो घर की चार दीवारी में थी तो वही औरत हमारी इज्जत व आबरू का सबब है और एक ख़ानदान की इज्जत का ताज तो औरत के सर पर होता है और उसी की वजह से ख़ानदान की इज़्ज़त में इजाफा होता है, तो ये कैसे मुमकिन है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो हर मामले में ख़वातीन को जो हुकूक दिए हैं, अगर आज भी खातून वो हक़ लेने की कोशिश करें और लोग उनको वो हक़ देने की कोशिश करें तो शायद मुआशरे में एक ऐसा ठहराव और ऐसे मुस्बत नतायज हम हासिल कर सकते हैं कि जिससे हमारी आने वाली नस्लें एक अच्छे मुआशरे में का फ़र्द बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोहतरम रुबा हमायूं साहिबा, आपका चेयरपर्सन हैं डोरा फवेरेंस की, और मोहतरम ज़बीहुल्लाह बलगन साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आज हमें फ़ाहमे दीन समझाने की कोशिश की है, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम हमारे साथ मौजूद हैं बड़ा खूबसूरत नाम दुनिया या आवाज़ का, जिन्हें सारे लोग मोहब्बत और प्यार के साथ छोटे राहत अली कह हाँ के नाम से पुकारते हैं। जनाब छोटे राहत अली हाँ साहब हमारे सामने हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि नाते रसूल मकबूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें सुनाए। आप नाते रसूल मकबूल सुनिए, हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बान। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, ए जल जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, आदिल मैं तुझे रख लूं। जी चाहता है तोहफे में भेजू जाता है तोहफे में
हो दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना आ दिल मैं तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख क्यों छुपा बैठे, अब रुख क्यों छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना आ दिल मैं तुझे रख लूं। पीने को तो पी लूंगा बस शर्त जरा सी है, पीने को तो पी बस शर्त जरा सी है, अजमेर का सामान।